ये वो घर और बस्तियां हैं जिनके बाशिंदों को सालों से इंतजार था कि कभी इनकी शक्ल भी बदलेगी। इनके आंगन और छत भी तेज आंधी, तूफान और मूसलाधार बरसात में अपना वजूद कायम रख पाएंगे। इनकी आस को भरोसा दिया भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने, जिसके कारण गरीब जरूरतमंद पात्र हितग्राहियों के अपने पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। ओडिशा के कई जिलों में इन दिनों पीएमएवाईजी के क्लस्टर हाउस यानी समूह में घरों के निर्माण पर खासा जोर है। संबलपुर जिले के रेंगाली ब्लॉक के रेंगाली गांव की ये है बीजू पटनायक कॉलोनी, जहां इस वक्त लगभग 60 घरों के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। यहां सभी घर फ्लाई ऐश ईंटों से बने हैं और इन फ्लाई ऐश ईंटों की सप्लाई के लिए कई कारखाने यहीं आसपास खुल गए हैं और इन कारखानों में कई लाभार्थी भी मजदूरी कर रहे हैं, यानी इन कारखानों के कारण उन्हें आय का एक अतिरिक्त जरिया मिल गया है। फ्लाई ऐश जो है वो थर्मल पावर स्टेशंस हैं उनसे ये निकलता है और इसे एक पॉल्यूटेंट के रूप में माना जाता है, तो उसके कई सारे उपयोग हैं और उन उपयोगों में से एक है इनसे ईंटों का निर्माण। उससे जो हमारी ईंटें निर्मित होती हैं, न केवल इसके कारण इसकी लागत कम हो जाती है बल्कि उनकी साइज़ भी बड़ी बनाई जाती है, तो प्रति आवास जो ईंटों की संख्या है वह भी कम हो जाती है। इसके उपयोग से भवन निर्माण की लागत भी कम हो जाती है, जिसके कारण हितग्राही अपने आवास में या तो कुछ नई सुविधाएं जोड़ लेता है या फिर मकान की साइज बढ़ा लेता है। कॉलोनी में चल रहे काम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जब कॉलोनी पूरी तरह से तैयार होगी तो शहर की किसी सुविधा संपन्न कॉलोनी की तरह नजर आएगी। वैसे कुछ हितग्राहियों ने तो अभी से वहां रहना शुरू कर दिया है। कॉलोनी के एक घर में चल रही गृह प्रवेश की रस्म इसी बात की गवाह है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA यानी संबलपुर के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज्योति कुमार लाकरा कॉलोनी का मुआयना करने आए तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों के साथ अपने पक्के घर को लेकर चर्चा करने लगे। हमें मालूम है कि आप सभी ने अपना पक्का घर ना होने की परेशानियों को लंबे समय तक भोगा है, मगर अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कारण आपकी अपने पक्के घर की इच्छा पूरी होने जा रही है। यहाँ पानी है, बिजली है, अपना शौचालय है और सड़क भी। रेंगाली की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बेरना दत्ते लाकरा ने बहुत समझबूझ और परिश्रम से इन सामूहिक घरों के सपने को साकार किया। कॉलोनी के निर्माण को लेकर इनका कहना था, यहाँ बहुत बेनिफिशियरी हैं जिनका अपना घर टूटा फूटा है और इन लोग बार बार प्रशासन के पास आ रहे थे, उनका घर नहीं है, जमीन नहीं है। तो मैं देखी इतना ज़्यादा आदमी का यदि बेनिफिशियरी का हम नाम कर देंगे तो कभी और इन लोग का घर नहीं आएगा, तो मेरा दिमाग में आया कि इसके लिए सुटेबल जगह खोजे और इनको PMAY घर का मैंने सुविधा दे सकें। अपनी कच्ची बस्तियों से बाहर निकालकर इन आवास हितग्राहियों को यहाँ बसाना आसान नहीं था। ऐसे में कुछ अधिकारी समय समय पर उन कच्ची बस्तियों में गए और एक एक हितग्राही से बात कर उन्हें समझाया बुझाया। उन्हें बताया गया कि PMAYG के तहत बने पक्के घर में उन्हें पक्की छत का सुख तो मिलेगा ही, साथ में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हासिल होंगी। आपस में बातें हुई तो दिमागी सोच खुली, फिर एक एक करके सभी राजी हो गए। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी आदमी अपनी जो मूल स्थिति है, मूल स्थान से हटना नहीं चाहता, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना रहता है कि जहाँ मूल स्थान पे जहाँ वो निवास कर रहे हैं और नई जगह पे जो परिस्थितियाँ हैं दोनों में क्या अंतर है। अगर नई जगह पे परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हैं, अच्छे मकान मिल रहे हैं, स्वस्थ वातावरण है, तो हितग्राहियों को मोटिवेट करने का, उन्हें इस तरह से समझाने बुझाने का प्रयास किया जाता रहा है। कई बार हितग्राही स्वयं भी इस बात के समझाने पे समझ जाते हैं कि नई जगह पे जाने में ही फायदा है, क्योंकि अगर विशेषकर वो कॉलोनी में क्लस्टर में जा रहे हैं तो वहाँ कई तरह की सुविधाएं भी होती हैं।
इसी मलिन बस्ती में गीतांजलि महापात्रा नाम की महिला ने अपनी लड़की कल्पना के साथ बहुत से साल गुजार दिए। पति की मौत के बाद गरीबी की मार और बढ़ गई, मगर गीतांजलि ने हिम्मत नहीं हारी। कल्पना बड़ी हुई तो अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ बच्चों की ट्यूशन करने लगी ताकि माँ की कुछ मदद हो सके। अब जबकि PMAYG का हितग्राही होने के कारण गीतांजलि के नाम पर भी आवास का आवंटन हुआ है, तो कल्पना माँ को साथ लेकर अपना नया घर देखने कॉलोनी आ पहुंची है। घर में पेंट का काम अभी चल रहा है। अपने घर को देखते हुए माँ बेटी के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है ये अंदाजा लगाना आसान नहीं। हाँ, कल्पना ने आगे बढ़कर कमरे की खिड़की को पूरा खोल दिया है, मानो माँ बेटी इस झरोखे से जिंदगी को नए सिरे से देखना चाहती हूँ। साल 2005 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। ट्रेन से उनका एक्सीडेंट हुआ था। माँ ने घर की जिम्मेदारी संभाली और मेरी परवरिश भी की। अपने पुराने घर में हमने बहुत सी समस्याओं का सामना किया है और फिर शौचालय न होने के कारण भी बहुत परेशानी होती है। अब ये नया घर हमारे लिए तैयार है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें रसोई भी है और अपना शौचालय भी। हम जल्द यहाँ रहने के लिए आ जाएंगे। उम्मीद है नया घर माँ बेटे की जिंदगी में बदलाव की नई दास्तान लिखेगा। रेंगाली रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ से अपने बच्चे को स्कूल से लाती इस महिला का नाम है सविता हरी। लड़का अभी छोटा ही था कि सविता का पति उसे मझधार में छोड़कर कहीं चला गया। अकेली रह गई सविता अपनी माँ के पास लौट आई और यहाँ रेलवे पटरी के पास इस बस्ती में ये कच्चा झोपड़ा किसी तरह बना लिया। बचपन में सविता ने माँ से बांस की टोकरियां बनाना सीखा था। अब यही हुनर उसके काम आया। अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए उसने बांस की टोकरियां बनाकर आसपास के बाजार में उन्हें बेचा, मनरेगा में मजदूरी की और जो भी छोटा मोटा काम मिला उसे पूरी मेहनत के साथ किया। आगे की सारी उम्मीदें बेटे से थी, इसलिए उसकी पढ़ाई को हर हाल में जारी रखा। और अब जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से उसके नाम पर घर का आवंटन हुआ है, तो भविष्य को लेकर उसकी उम्मीदों को एक नई उड़ान मिल गई है। यहाँ बन रहे इन घरों की एक बड़ी खासियत ये है कि हर घर की अपनी एक अलग पहचान है। आपने गौर किया होगा, कहीं स्वच्छ भारत का स्लोगन दीवारों पर लिखा हुआ है, कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहीं पेड़ लगाओ, तो कहीं संबलपुर की राष्ट्रीय पहचान हीरा कुंड बांध दीवारों पर उकेरा गया है। ये घर ऐसा होना चाहिए कि लगे कि ये प्रधानमंत्री घर है। पहले तो 75,000 घर था, लोग घर बना देते थे, छप्पर हुआ नहीं हुआ, फ्लोरिंग हुआ नहीं हुआ, मगर अभी 1,30,000 का घर है और उनमें नरेगा का भी 16,500 रुपया मिलता है। ये सब मिला के हम लोग ऐसा एक तो घर बना के देंगे वो जिंदगी भर आराम से रह सकेगा। यहाँ ऐसे दो चार नहीं बल्कि 60 से ज्यादा परिवार हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें पक्के घर का सुख एक साफ सुथरी सुविधा संपन्न कॉलोनी में मिलेगा। इनकी प्रतिक्रियाएं आप खुद सुन लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें घर मिला है। नए घर में बिजली भी है और शौचालय भी। पहले तो हम लोग को घर तो झुपड़ी था, अभी सरकार दे तो हम लोग को अच्छा है। नया घर हमें सरकार ने दिया है, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, हम बहुत खुश हैं। हम लोग गरीब आदमी से हम लोग बहुत खुश हैं। हमारा बाल बच्चा के लिए बहुत सुविधा कर दिया है, हम लोग बहुत खुश हैं सर। घर के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रेंगाली ब्लॉक के ही एक और क्लस्टर में चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के घर तेजी से बन रहे हैं। अभी ये दूसरा क्लस्टर लिए हैं, यहां पे देख रहे हैं 19 हाउसेस अभी हम लोग बना रहे हैं। ये लोग लैंडलेस है तो इन लोगों को एक ही प्लेस में हम लोग बहुत सारे घर बना पा रहे हैं और उन्हें मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमें इजी हो रहा है। फिर एक ही क्लस्टर में अगर बनाएंगे तो बाकी लोग भी वो भी देख कर इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें भी मतलब वही क्लस्टर में रहना है। और अब बात करते हैं संबलपुर जिले के और एक ब्लॉक जमन केरा की। इसी ब्लॉक की एक कच्ची बस्ती है आनंद नगर, जहाँ के अधिकांश वासी
अनुसूचित जाति जनजाति के हैं और बेहद गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। बस्ती के वासियों के लिए यहाँ समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं। सुकून की बात ये है कि इस बस्ती के 19 आवास हितग्राहियों के कच्चे जर्जर घरों के पास ही उनके लिए पक्के मजबूत घरों का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें एक विशेष बात ये है कि जिस हितग्राही का भी ये घर बन रहा है वो हितग्राही मेसन ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ मिस्त्री का काम कर रहा है। बस्ती का ही हितग्राही है हिंगीर टोपनो, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है। यहाँ के ग्राम रोजगार सहायक ओम प्रकाश मिश्रा ने हिंगीर टोपनो के लिए बने घर की दास्तान कुछ इस तरह बयान की। उसका नाम हिंगीर टोपनो है, उसको कुष्ठ रोग हुआ है। जो ये उसका घर था, जो बारिश के कारण बहुत दिक्कत होता था, गर्मी भी बहुत ज्यादा होता था, वो कुछ हाथ में उसका खा भी नहीं पाता है। उसको हम प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करके ये नया घर है उसका। सरकार की तरफ से मुझे ये घर मिला है। घर मिलने से लगता है कि मेरी बहुत सी समस्याएं अब कम हो गई हैं। मैं यहाँ अच्छी तरह से रह सकता हूँ। नए घर को लेकर बहुत खुशी हो रही है। आपको क्या लग रहा है, 70 बरस की गुरुबारी हेमरम किसी रेल की बोगी में बैठी अपने प्रियजनों को टाटा बाय बाय कर रही है? जी नहीं, ये इसके प्रधानमंत्री आवास का नया घर है, जिसे बाहर से रेल के डिब्बे का रूप दिया गया है। गुरुबारी हेमरम आनंद नगर की ही वासी है। बचपन में विवाह हुआ और कुछ ही साल में पति की मृत्यु हो गई और फिर एक लंबी जिंदगी कच्चे मिट्टी के घर में अकेले ही कटी। हाल ही में इसे ये पक्का मकान मिला है। 500 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन ही इसके जीने का सहारा है। जूट की रस्सी को बुनकर भी कुछ कमाई हो जाती है। ऐसे में जिंदगी की जरूरतें मुश्किल से पूरी होती हैं। फिर भी संतोष है कि नया घर पक्का और मजबूत है। अब आंधी तूफान और बारिश से तो नहीं जूझना पड़ेगा। गुरुबारी ने जीवन में कभी रेल नहीं देखी थी। उनकी इच्छा थी कि एक बार रेल में बैठने का अवसर मिले, लेकिन अकेली बेसहारा बूढ़ी औरत की ये इच्छा कौन पूरी करता? अधिकारियों को ये सब पता चला तो इनके घर को ही रेल का डब्बा बना दिया गया। पीएमएवाईजी के आवास निर्माण को लेकर बात अब मैथिली खरसेल की। जन्म से ही दृष्टिहीन मैथिली अभी तक अपने भाई भाभी के साथ रहती रही। छोटे मोटे काम कर लेती, भाभी के चूल्हे चौके के काम में उसका हाथ बटा देती। जीवन इसी तरह कट रहा था कि उसके लिए जैसे सौगात लेकर आई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। उसके नाम पर आवास का आवंटन हुआ और मैथिली अपने पक्के घर की स्वामिनी हो गई। वो ज्यादा बात तो नहीं करती, मगर हाव भाव दर्शाते हैं कि वो अपने नए घर को लेकर दिल ही दिल में बहुत खुश है। मैथिली को एक शौचालय भी मिला है, जिसका इस्तेमाल करते वक्त केवल वही समझ सकती है कि एक दृष्टिहीन औरत को मुंह अंधेरे जंगल जाने में क्या क्या दिक्कतें होती होंगी। शौचालय ने उसे यकीनन बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इस मौजूदा घटनाक्रम की आखिरी दास्तान है जमनकेरा ब्लॉक में गांव हल्दी बहाल के वासी त्रिपाल खसरेल की। त्रिपाल बचपन में ही एक दुर्घटना में अपनी टांग खो बैठे। जब वो बड़े हुए तो उनके चचेरे भाइयों ने अपने घर के पास ही एक छप्पर नुमा घर दे दिया और इसी चरमराए जर्जर छप्पर में त्रिपाल ने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार दिया। अपने में ही गुमसुम रहने वाले त्रिपाल अक्सर सोचते कि क्या बाकी की जिंदगी भी यूं ही हालातों से जूझते हुए गुजर जाएगी। मगर नहीं, एक दिन उनके इसी घर का मुआयना करने पंचायत से दो व्यक्ति उनके घर पहुंचे, कुछ एक सवाल किए और फिर प्रधानमंत्री आवास को लेकर प्रतीक्षा सूची में उनका नंबर आने की शुभ सूचना दी। त्रिपाल ने इस सूचना पर पूरा यकीन तब किया जब पंचायत भवन में लगी आवास हितग्राहियों की सूची में अपना नाम देख लिया। कुछ ही दिनों में पुराने घर के सामने जियो टैग फोटो लिया गया और जल्द ही
घर बनाने के लिए पहली किश्त के पैसे भी हाथ में आ गए। घर बनना शुरू हुआ तो वो खुद ही घर बनाने में जुट गया। घर का निर्माण पूरा हो चुका है और त्रिपाल अब अपने नए घर में सुकून भरी जिंदगी जी रहा है और सुकून का यही एहसास उन तमाम हितग्राहियों के चेहरों पर नजर आ रहा है जो योजना के कारण अपनी जिंदगी का ताना बाना एक बार फिर से बुन रहे हैं।